नमस्कार, आरबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रताप, पेश करते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में देश में आत्महत्या की घटना बढ़ती जा रही है। इसकी प्रमुख वजह है अकेलापन, कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आना, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी। उभरता हुआ फिल्म सितारा सुशांत सिंह राजपूत और दिल्ली की टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ की आत्महत्या ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज इसी मुद्दे पर शक्तिपुंज की संस्थापिका माँ प्रभा किरण से बात करेंगी हमारी न्यूज एंकर पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा, आरबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ शक्तिपुंज फाउंडेशन की संस्थापिका माँ प्रभा किरण जी से। नमस्कार। इस कोरोना काल में आजकल आत्महत्याएं बहुत बढ़ रही हैं और लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही ये विचारणीय विषय है और वास्तव में इस समय कुछ इस तरह की हत्याएं भी हुई हैं। जैसे अभी सुशांत राजपूत स्टार थे हमारे और वो उन्होंने जिस तरह से आत्महत्या की, वो एक पूरा सोशल मीडिया उससे भरा हुआ है और ये बहुत सोचनीय है। कई केसेज हैं, जैसे देहरादून में एक महिला ने जरा सी बात पे आत्महत्या कर दी और कई लोग जगह जगह आत्महत्या, ये टिकटॉक सेलिब्रिटी है उसकी आत्महत्या के खबर मैं रात दिन देख रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना एक ऐसी मानसिकता की तरफ जा रहे थे, कहते हैं कि समय जो है ना वो सब बड़ा बलवान है और हम लोग प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हम का एक मानव हैं, हमारे अंदर संवेदना है, हमारे अंदर जीवन है। ये सब कुछ से परे हट के हम एक दौड़ में दौड़ रहे थे जहाँ भौतिकतावादी दौड़ थी। केवल भौतिकता हमारी मानसिकता में थी कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी स्टार बने, किस तरह से जल्दी हम आगे मतलब बुलंदियों को छुएं, और हर व्यक्ति यही तमन्ना लेके जा रहा था। हर तरह से कॉन्टेस्ट हो रहा था कि यही आगे बढ़ने का, और शांति नहीं थी जिससे हमारी शांति खत्म हो गई। हम लोग पैसे के पीछे भागने लगे, हम ईश्वर को भूल गए, प्रकृति को, हमारे पास समय ही नहीं था समझने के लिए, हम प्रकृति को जानने नहीं लगे। ऐसी ऐसी कथाएं आए। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, वो सोशल मीडिया पे कई जगह मैंने देखा और पढ़ा कि आप कितना कमाते हो एक दिन में। उन्होंने कहा इतना रुपया, मतलब 100 रुपये 200 रुपये जो भी बोला होगा। उस बच्चे ने कहा कि एक दिन मेरे को दे दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। माँ बापों के रिलेशन खराब हो गए थे, बच्चों के रिलेशन खराब हो गए थे। हम लोग कहाँ भाग रहे थे, क्यों दौड़ रहे थे, रात दिन दौड़ रहे थे और हमारी समझ में नहीं आ रहा था हम कर क्या रहे हैं। हम जीवन मूल्यों को भूल गए थे, हम उस ईश्वर को, उस विधाता को जिसने एक मिनट में हमारे घमंड को चूर चूर कर दिया, उसको हम भूल गए थे। हम सब कुछ भूल गए थे, हम उसको प्रणाम करना भूल गए थे। हम भूल गए थे कि एक सृष्टि का एक रचयिता है, एक जो संहार भी करता है, जो हमको जीवन भी देता है और हमको प्रेरणा देता है, हर हमको किस तरह से जीना है। ये उस संविधान को भूल गए थे जो हमारे धर्म ग्रंथों में बना हुआ था कि किस तरह से हम दैवीय शक्तियों से आगे बढ़कर परिवार को, समाज को, और क्या कहते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी इनको बचा करके कैसे हम इस सृष्टि को संरक्षित कर सकते हैं। हमने सृष्टि का अन्नाधुन शोषण किया, कट्टान किया, जीव जंतुओं की हत्या की, हर जगह मतलब एक आदमी ने अपना एक आसुरी रूप दिखाया और आसुरी रूप का हमेशा अंत होता है और वो सबके सामने है। अब भी लोग संभल रहे हैं, लोगों में परिवर्तन हो रहा है, लोग बदल रहे हैं। आज पता चल रहा है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं, हमारे पत्नी हमारा कितना ख्याल रखती है और किस तरह से परिवार के बीच एक सामंजस्य बैठा रहे हैं लोग, किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और कैसे
किस तरह से ये आत्महत्याएं हो रही हैं, क्योंकि वो लोग, उनकी मानसिकता वहीं तक है, वो लोग उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, वही सोच रहे हैं, तो उनको नहीं मिल रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उनको डिप्रेशन हो रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे परिवार के लोगों को, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, मैंने तो यहाँ तक कहा कि ये इतनी कगार तक पहुँचे ये सुशांत राजपूत कि उन्होंने आत्महत्या जैसा बोल रहे हैं, अभी तो पता नहीं है हत्या है कि आत्महत्या, जैसा बोल रहे हैं कि आत्महत्या की, क्या उनके इर्द गिर्द लोगों को पता नहीं था? एक 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 छींक भी आती है तो लोग, इर्द गिर्द के लोगों को पता होता है। एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपका बेटा क्या सोच रहा है, आपकी पत्नी क्या सोच रही है, आपका पति क्या सोच रहा है, ये चीज़ें इंक्वायरी करो भैया, जानने की ज़रूरत है, हमें जानना है कि इसके मन में क्या चल रहा है, शेयर करो, उसके सुखों को दुखों को शेयर करो, आपस में आदान प्रदान करो, उनको अपना दोस्त बनाओ, हम राज बनाओ, तो ये आत्महत्याएँ काफ़ी हद तक रुक सकती हैं। और जो ये समय है, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक परिवर्तन का समय है, और मुझे यकीन है, बल्कि विश्वास है, एक अच्छा सतयुग का दौर शुरू होगा और एक अच्छा समय जहाँ भाई बहन का प्यार होगा, पति पत्नी का प्यार होगा, बच्चे का बड़ों के प्रति सम्मान होगा और सब लोग मेहनत की कमाई पे भरोसा करेंगे और अत्याधुनिक दौड़ से परे हटेंगे, जो एक पाश्चात्य संस्कृति हमें मिली थी, जो विदेशों से एक संस्कृति हमारे हम उसको लाइक करने लग गए थे, हम वैसा ही करने लग गए थे, हमारे बोलने का अंदाज, हमारी ज़िंदगी, हमारी जीवन शैली सारी पाश्चात्य संस्कृति में रंगने लगी थी, वो सब छोड़ करके हम भारतीय मूल्यों की ओर आ रहे हैं। हमारा जो क्वारंटाइन था वो भारतीय मूल्यों में था, हमारा जो एक दूसरे को दूरी बना के रखने का था वो हमारे भारतीय संस्कृति में है, तो आज हमें उन्हीं चीज़ों को सोचना है, विचारना है, उन पे काम करना है, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, नमस्ते करते हैं हम लोग, हाथ मिलाने का, गले मिलने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तो अब हम धन्य हैं, हम इस देश में पैदा हुए, हमें गर्व है, फख्र है। मैं माँ प्रभा किरण आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि RBM न्यूज़ इस समय सकारात्मक विचारधारा को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। RBM न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हाय एवरीवन, आई एम निशा वशिष्ठ। RBM न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। RBM न्यूज़ चैनल हमेशा सच के साथ।